बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने अपने 69th बर्थडे पर लॉन्च की अपनी बायोग्राफी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, जिसे लिखा है राम कमल मुखर्जी ने। और इस मौके पर उन्हें कॉन्ग्रेट्स करने पहुंची बॉलीवुड की लेटेस्ट ड्रीम गर्ल दीपिका पादुकोण, जिन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली थी कुछ कुछ हेमा मालिनी स्टाइल में। ओम शांति ओम में वो सिग्नेचर वेव करके जो कभी हेमा मालिनी किया करती थी। तो वहीं दीपिका पादुकोण ने भी बताया कि इतनी मेहनत और डेडिकेशन के बाद भी अगर आपको रिजेक्ट कर दिया जाता है तो कैसा फील होता है? Yes, I mean my... I think to begin with, I think like Hema ji said, I feel extremely fortunate to have worked repeatedly with someone like Sanjay Leela Bhansali. We've, you know, over 5 years in 3 consecutive films back to back in extremely challenging but extremely empowering and powerful roles that he's known to give women. But like she said, you know, the budget. Is budget an issue today? It is. You know, of course, as compared to the film that Hema ji has done, it's more than 100-fold. But, you know, would we like a much larger budget to make a film like Padmavati? Of course, because that's where I think cinema has gone today. दीपिका की फिल्म पद्मावती का फर्स्ट लुक आउट हो चुका है और पद्मावती को याद करते हुए हेमा मालिनी ने अपनी कुछ रॉयल फिल्म्स मीरा और रजिया सुल्तान के एक्सपीरियंस शेयर किए मीडिया के साथ। विदाउट एनी बजट वी आर डूइंग रॉयल सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स एंड आई कैन रियली रिमेम्बर नाउ टुडे दैट भानु अतिया हु वाज डिजाइनिंग माय क्लोथ्स ओनली वन घाघरा वाज मेड एंड उसका ऊपर से कुछ कलर्स चेंज कर करके इट यूज टू मेक इट लुक लाइक आई एम वेयरिंग 2-3 डिफरेंट ड्रेसेस। इस मौके पर हेमा मालिनी की पूरी फैमिली उनके साथ नजर आई, उनकी दोनों बेटियां और दोनों दामाद, जिन्होंने इस बुक लॉन्च को और भी स्पेशल बना दिया।